दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। जहां आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार देखा जा रहा है, वहीं अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर अब एक नया रूप ले लिया है। अब मामला स्वास्थ्य का है और इंसुलिन का है। जहां बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ एक एजेंडा फैला रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दिल्ली की जनता का क्या राय है, हम जानते हैं दिल्ली की जनता यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली की जनता क्या कुछ कहना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं कि एजेंडा फैलाया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी बोले कि उनके लिए नहीं दिया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? सिंगल करना है जी, लेकिन भाजपा का कहना है कि सिर्फ एक एजेंडा फैलाया गया है, चुनावी माहौल है, इसीलिए आम आदमी पार्टी माहौल बनाना चाहती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है? सर असल में यदि तानाशाह है जैसे सिंगल डबल करना है, दूसरे नंबर पे मोदी है, डी टू कॉपी सर हिटलर की कॉपी कर रहा है सर, ये चाहता है जनता इसके नीचे झुक के चले सर जी। इंसुलिन का मामला फंसा हुआ है, जहां कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको भी क्या, आपको भी लगता है वाकई में सर? बिल्कुल सर, ये इनके स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार गिरफ्तारी के बाद से आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जा रहा है। भाजपा कह रही है कि जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में जाएगा, लेकिन अब मामला इंसुलिन का है, स्वास्थ्य का। आपको लगता है कि वाकई में अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है? भ्रष्टाचारी तो वो है जो बोल रहे हैं पहले, तो जरा अच्छा बंदा है उसको जेल में कर दिया है जी। बाकी मेन तो यही है कि इलेक्शन के दिन के अंदर वो CM को जी, कभी भी कोई भी आज तक का कभी ऐसा हुआ नहीं है जो CM को पहले जेल में भेजा जी, वो फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया में, फर्स्ट टाइम। लेकिन अब आरोप लगाया जा रहा है कि इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, कहीं इंसुलिन नहीं देने की वजह से अरविंद केजरीवाल की तबीयत और भी बिगड़ सकती है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, सिर्फ भाजपा पे नहीं, जेल अधिकारियों पे भी आरोप लगाया जा रहा है। क्या लगता है आपको, अधिकारी भी मिले हुए हैं भाजपा के, मिले हुए हैं वो सब? नहीं तो क्या मुजाला CM को गिरफ्तार कर रहे हैं, वो सब मिले हुए हैं। जब जज तक्का बिक जाते हैं, हर कोई बिक रहा है जी, पैसे दो, हर कोई आजकल नेता भी बिक रहे जी, मैं चाहे कितना ही बलात्कारी हो नेता, चाहे कुछ हो, भाजपा में जाए वो सारा कुछ खत्म। आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या सियासी तेज हो गया है, जहां आम आदमी पार्टी का कहना है कि इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, भाजपा का कहना है कि बस चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली की जनता को क्या लगता है? दिल्ली की जनता को यही लगता है कि उसका नाजायज हुआ जी, नाजायज काम करा जा रहा है। इलेक्शन का मतलब ये था, दो पहलवान लड़ते हैं तो एक पहलवान गिरता है, उस पहलवान को बाहर निकाल के दोबारा लड़ा जाए ना जी। ये थोड़े कि एक पहलवान अपना बाहर है और एक पहलवान अंदर है, अंदर वाला तो हारेगा जी। लेकिन बात अब स्वास्थ्य पे आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, उनका शुगर लेवल हाई बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन भाजपा इसको काट ली, भाजपा कह रही है कि दवाई नहीं मिलेगी तो डायबिटीज बढ़ेगी, अब डायबिटीज बढ़ेगी तो किडनी फेल हो जाएगी उसकी, तो जाएगी जी। बहुत बढ़िया काम करता हूँ जी, हाँ लापरवाही किया जा रहा है मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के साथ। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए लगातार दिल्ली में आरोप और प्रत्यारोप, और खास करके जब आप बात मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की आती है, तो दिल्ली की जनता क्या कहती है, दिल्ली की जनता का क्या फेवर है, हम जानना चाहेंगे। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, पहले गिरफ्तार गलत तरीके से किया, लेकिन बात स्वास्थ्य की होती है, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, सब मिले हुए हैं, सब भी एक ही बात होगी, उनको इंसुलेंस नहीं दिया जा रहा है, सब उनकी मिली भगत है, बीजेपी वालों को सब उनको तो दवाई वगैरह जो है उनको पास नहीं है।
हमारे मुख्यमंत्री चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? जो आम आदमी पार्टी के तरफ से जिस तरह से बोला जा रहा है, इनको भी नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी कह रही है चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली की जनता इसको लेकर क्या सोचती है? तो वो ऐसे जी कोई बात नहीं जी, बात करना चाहिए उनके सब आने वाले जी बिल्कुल। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, अब आरोप लग रहा है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर जेल में खिलवाड़ दिया जाता है, उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, क्या लगता है वाकई में अरविंद केजरीवाल का गलत हो रहा है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी महिलाएं हम इनसे पूछ लेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार आरोप का दौर जा रहा है, अब इंसुलिन की बात हो रही है केजरीवाल की निर्माण होनी चाहिए। केजरीवाल बहुत अच्छे आदमी है, जो बात है हमारे लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, हमारे बच्चे बारहवीं तक एमसीडी स्कूल में पढ़े हुए हैं, एमएमटीसी में बहुत अच्छी सुविधा दी है, ऐसे मतलब हमें मुख्यमंत्री देश का मिल नहीं सकता जी। लेकिन भाजपा कह रही है कि सिर्फ एजेंडा बनाने की कोशिश किया जा रहा है। नहीं नहीं, झूठ बोलती है भाजपा, भाजपा बिल्कुल सरासर झूठ बोलती है, भाजपा कुछ नहीं करती, भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान मुसलमान के झगड़े कराती है, कुछ नहीं करती भाजपा, भाजपा सिर्फ देश मुक्ति करती है, मंदिर मस्जिद इसमें क्या धरा बताओ जी, है सबको एक साथ लेके चले, जब तो बीजेपी अच्छी है, और जब बीजेपी नहीं करती है ये काम तो बुरी है जी। बिल्कुल, ये आप दिल्ली के जनता को सुन लेते हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो दिल्ली की जनता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में जाती हो रही है, उनको इंसुलिन मुहैया करवाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये दौर कैसे थमता है, क्या वाकई में इंसुलिन का मामला और भी तूल पकड़ता है या फिर ये मामला शांत हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप अब मामला इंसुलिन का है, जब मामला स्वास्थ्य का है, तो आगे का आने वाला समय क्या कुछ रहने वाला है ये देखने वाली बात। कैमरामैन रोहित के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली भारत समाचार।